हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को दिल से वेलकम करते हैं एक और नए वीडियो में। ये वीडियो होने वाली है पबजी के न्यू दो कैंपेनियन से रिलेटेड, यानी कि हमें गाइस गॉडजिला और कोंग का नया कैंपेनियन देखने को मिला है। वैसे इससे पहले गाइस हमें फेलकॉन देखने को मिला था, लेकिन अगले आने वाले अपडेट में हमें गॉडजिला और कोंग का भी कैंपेनियन देखने को मिलेगा। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी बंदे अभी तक लाइक नहीं किया कमोन गाइस लाइक कर दो, और न्यू बंदे हो तो कमोन यार सब्सक्राइब तो बनता है। पबजी बीटा में गाइस एक मेल आया था, मेल बॉक्स में गाइस जब मैं चेक किया तो वहाँ हमें फ्री का हमें गॉडजिला और कोंग का कैंपेनियन देखने को मिला। ये गाइस काफ़ी ज़्यादा फनी है, मैं आपको छोटा सा यहाँ पर गेम प्ले भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं कलेक्ट किया तो हमें यहाँ पर दो कैंपेनियन देखने को मिला। ये गाइस बिल्कुल फ्री है, फिलहाल ये बैच लिखा हुआ है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब बीटा वर्जन रहता है तो बैच फाइल लिखे रहता है, सो इस वजह से गाइज ये बेस फाइल लिखा हुआ है। अब गाइज हम इसका गेम प्ले देख लेते हैं। तो ये एक मिनी कॉन्ग है जो कि कुछ इस तरह से आपको इमोट देखने को मिलेगा, और इसके बाद गाइज यहाँ पर अंदर अगर आप जाते हैं तो दो मिला है, एक छोटा मिनी गॉडजिला भी हमें देखने को मिला है, जिसे फेलकॉन का होता था लेवल 1 लेवल 2 ऐसे ही कर सकते थे। तो इसका भी ऐसे ही गाइज लेवल 1 लेवल 2 ऐसे आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं, और अपग्रेड के साथ ही इसका इमोट जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले गाइज यहाँ पर किसी एक का गेम प्ले देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चूज किए हैं ये छोटा सा गॉडजिला का, और इसके बाद गाइज देख लेते हैं क्या होता है। तो देख लो गाइज, जैसे आप स्पॉन होते हो ये मिनी गॉडजिला जो है कैंपेनियन, ये भी गाइज स्पॉन हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा मुझे तो यार फनी लगा, लेकिन इसका कोई आवाज़ नहीं है। जैसे कि आपको पता है अगर ये आवाज़ देगा तो गेम में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, इस वजह से अगर ये कुछ भी इसका साउंड होता तो यार काफ़ी ज़्यादा वैसे अच्छा लगता। तो देख लो गाइज कैसे गुलाटी मार रहा है, सच में गाइज मुझे तो यार काफ़ी ज़्यादा फनी लगा। और जैसे ही आप यहाँ पर उतरोगे तो देख लो गाइस आपका बैकपैक के सामने आपको पकड़ के वो भी उतरेगा। ऐसा लग रहा है कि ये गॉडजिला पूरा डरा हुआ है और आपको जोर से जकड़ के पकड़ा हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पर आप नीचे उतरते हो, इसके बाद ये भी यहाँ पर स्पॉन हो जाएगा, और जैसे आप लूट करते हो जहाँ भी जाते हो वो आपको पीछा करते रहेगा, जैसे फेलकॉन होता था वैसा ही यहाँ पर भी होने वाला है। लेकिन अगर आप ज़्यादा दूर चल जाओगे अचानक स्पीड से तो वो उतना दूर आपको पीछा नहीं कर पाएगा, तो वहाँ से डी स्पॉन होके फिर से आपके सामने वो फिर से स्पॉन हो जाता है। जैसे कि सपोज आप कोई घर चढ़ गए या फिर कहीं दूर अचानक, मतलब कि घर से डायरेक्ट नीचे आप कूद गए, तो अगर वैसे सिचुएशन में होता क्या है कि तो ऐसे में ये जो गॉडजिला है ये सीढ़ी के सहायता से नीचे उतरेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जगह जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ या फिर कहीं जा रहा हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि वो हट जाएगा, और इसके बाद जहाँ मैं रुकूँगा या जहाँ मैं खड़ा हो जाऊँगा वहाँ पर फिर से ये स्पॉन हो जाएगा। यहाँ पर एक बोट आया, इसके बाद इसको देखो भाई क्या ही छमिया जैसे डांस मार रहा है और अपना पूँछ को खा रहा है। ओ भाई ये क्या है, ऐसा लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा दिनों से भूखा है और वो अपने आप को भी खाने के लिए रेडी हो चुका है। ओ भाई भाई देखो 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 ज़मीन में कैसे गंदा बच्चा जैसे यहाँ पर लेट दिया है। तो ऐसा है गाइस ये छोटा वाला गॉडजिला, सच में आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब कि इतना क्यूट सा बनाया गया है कि क्या ही बोलो। देख लो गाइस इसका पीठ जो है वो कैसे यहाँ पर लाइट हो रहा है और कैसे ये अपने आप को खाने की कोशिश कर रहा है। और ये क्या भाई, ये तो आग भी उगलता है। अरे भाई भाई ये है मिनी गॉडजिला। तो गाइस ध्यान से इस गॉडजिला से बच के रहना, वरना ये आपको नॉकआउट भी कर सकता है। दरअसल गाइस मैं बस मजाक कर रहा हूँ, ये जो कैंपेनियन है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा फनी लगा। देख लो गाइस जैसे बच्चे लोग नहीं होते दौड़ के आते हैं गोदी करो बोल के, वैसे ही सेम ये भी आ रहा है। ओ भाई, भाई 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 कैसे गुलाटी मार रहा है भाई, पता नहीं गाइस ये क्यों सोच के बनाया गया है। लेकिन सच में फेलकॉन से तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, फेलकॉन में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ये आपको इमोट भी करेगा, डांस भी करेगा, और मतलब बीच बीच में ऐसा एक्टिंग करेगा कि दिल खुश हो जाएगा। वैसे गाइस अगर मैं इसको पानी पर लेके जाऊँ तो क्या ये पानी पर जाएगा, वैसे देख लेते हैं गाइस। पानी वैसे सामने में है, ओके ओके यहाँ पर पीछे आए तो डी स्पॉन तो हो गया, बट मेरे सामने यहाँ पर आ नहीं रहा है। ओके थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्या ये पानी से डरता है क्या, गॉडजिला पानी से डरता है ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन ये मिनी गॉडजिला है तो हो सकता है इसको पानी से डर लगता होगा। तो फिलहाल अभी तक गाइस आया नहीं है,
तो मुझे लगता है शायद से ये मिनी गॉडज़िला जो कैंपेनियन है ये पानी से डरता है। वैसे आप खेल चुके हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या हम इसे पानी पर ले जा सकते हैं। वैसे पानी पर तो नहीं जा रहा है कोई ना। अब हम गाइस यहाँ पर किंग कोंग का गेम प्ले देख लेते हैं। किंग कोंग का इमोट भी यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम यहाँ पर वर्कशॉप पर जाते हैं और इस किंग कोंग को सिलेक्ट करते हैं। और इस बार अगेन गाइस हम लिविक मैप ही खेलने वाले हैं, तो देख लो गाइस यहाँ पर किंग कोंग आ चुका है और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसका भी हम गेम प्ले देखने वाले हैं। ओके, और इसके बाद हम कोई सामने उतरते हैं, लेकिन पीछे कोई सा बड़ा, ओ भाई ये क्या है भाई, इतना बड़ा बन गया, जायंट बन गया ये तो। अरे भाई साहब ये कैसे पकड़ा हुआ है, देखो गाइस ये दरअसल एक ग्लीच है ऐसा, ये फाइनल वर्जन में आने वाला नहीं है, ये ग्लीच है। तो देखते हैं वैसे नीचे उतर के हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर इतना बड़ा हमें कैंपेनियन देखने को मिला तो सच में गाइस काफ़ी ज़्यादा ओपी होने वाला है। वैसे देख लो गाइस ये कैंपेनियन जमीन के अंदर घुसे पे घुसे जा रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं और उतरने के बाद ओके ये फिर से गाइस पिद्दी हो गया, पिद्दी है तू पिद्दी। और भाई सिक्स पैक दिखा रहा है हमें, और भाई भाई किंग कोंग तो गाइस कतई सिक्स पैक दिखा रहा है। वैसे गाइस कोई गन उन्हें यहाँ पर पकड़ लेते हैं, कोई बोट उठ ना आ जाए। तो देख लो गाइस ये यहाँ पर कैंपेनियन है किंग कोंग वाला। अरे भाई भाई वैसे इसका इमोट क्या है, ओके छाती ठोकना और इसके बाद ओके, अरे भाई बॉडी सोडी दिखा रहा है। अरे भाई 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 इसको खुजली पकड़ा है क्या, पीछे खुजला रहा है पता नहीं गाइस। वैसे इसको भी पानी पर लेके जाते हैं, आपको क्या लगता है गाइस ये पानी पर तैरेगा क्या? वैसे ये पीछे साइड तो नदी नहीं है, तो हम गलत साइड आ चुके हैं, हमें पीछे साइड जाना होगा। फिर से यहाँ पर जाते हैं, ओके वैसे सामने पहुँच चुके हैं। अब गाइस देखते हैं हम लोग का कैंपेनियन आ चुका है, ओके और पानी पर पीछे पीछे आजा 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 आजा, ओ भाई स्लो मोशन, अरे भाई सब स्लो मोशन, भाई पूरा हीरो बन रहा है। देख लो गाइस ये कैंपेनियन कतई हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस ये था दोनों कैंपेनियन। वैसे ये दोनों कैंपेनियन में अगर मैं कंपेयर करने बोलूँ गॉडज़िला और कोंग का, दोनों में से कौन सा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना गाइस। मुझे तो यार दोनों काफ़ी ज़्यादा फनी लगा। वैसे मैं दोनों का डिसाइड करूँ तो गाइस वो गॉडज़िला वाला मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो अपना जो पूंछ था उसे ही खाने का कोशिश कर रहा था, तो ये जो चीज़ था इमोट था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे ये भी बॉडी सोडी दिखाता है, देख लो गाइस कैसे खुजली कर, ऐसा लग रहा है जैसे तंबाकू खोल रहा है, ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ओ भाई पे ये थोड़ा इमोट किया कि नहीं, मेरे सामने आके तुरंत बैठ गया। वैसे गाइस कमेंट करके बताना ये दोनों कैंपेनियन आपको कैसे लगा, और ये जो दोनों कैंपेनियन है जैसे फेल्कोन हमें फ्री में देखने को मिला था, वैसे गाइस मुझे जहाँ तक लगता है इसका भी इवेंट जल्द ही हमें देखने को मिलेगा जिसमें हम दोनों को कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है शायद से कि आपको दोनों में से कोई एक चूज करने दे, मतलब कि अगर आपको चूज करना है फ्री में तो आप दोनों में से किसे रिडीम कर सकते हैं, ऐसा कुछ शायद इवेंट देखने को मिल सकता है। आप ये जान लो कि इवेंट ज़रूर से ज़रूर आएगा और हमें फ्री का कैंपेनियन देखने को मिलेगा। अब हाँ हो सकता है कि दोनों फ्री में देखने को ना मिले, दोनों में से कोई एक ही चूज करने को मिले। वैसे आपको क्या लगता है गाइस कि क्या ये फ्री आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, प्लीज़ आप लाइक और कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो गाइस मिलते हैं इस तरह के और भी वीडियोज़ के साथ, और अभी के लिए गाइस गुड बाय एंड लव यू ऑल।